मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में गुरु गोरक्षनाथ को पवित्र आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रातः सुबह 4 बजे गुरु गोरक्षनाथ को पवित्र आस्था की खिचड़ी चढ़ाई। उसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रदेशवासियों को मकर संक्रांति पर्व की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जगत पिता सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम व रूपों में बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित होता है। प्रदेश में अलग अलग स्थान पर अलग अलग प्रकार के आयोजन होते हैं, तो देश के अंदर भी कहीं लोहड़ी व पोंगल के नाम पर, कहीं तिलवा संक्रांति के रूप में और कहीं खिचड़ी संक्रांति के रूप में श्रद्धालु जन आयोजित करते हैं। उत्तर प्रदेश में आज माघ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर स्नान कर रहे हैं। पवित्र नदी, तालाब, सरोवर आदि स्थानों पर भारी संख्या में जाकर स्नान करते हैं। प्रयागराज हो या काशी हो या अयोध्या धाम हो, अन्य पवित्र स्थलों पर गोरखपुर में गोरक्षनाथ मंदिर से मकर संक्रांति का भी एक महत्वपूर्ण जुड़ाव रहा है। यहाँ पर कल से लाखों की संख्या में श्रद्धालु आकर इस भीषण शीतलहरी के बावजूद गुरु गोरक्षनाथ को आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। यहाँ पर प्रातः से ही लाइन लगाकर श्रद्धालु आकर आस्था की खिचड़ी चढ़ाने के लिए लाइन में लगकर अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। प्रदेश के सभी स्थानों पर मंदिर प्रबंधन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से श्रद्धालुओं की किसी तरह की असुविधा ना हो, हर स्थान पर पर्याप्त व्यवस्था दी गई है। सभी श्रद्धालुओं को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। इसी तरह प्रदेश व देश के विकास में अपना सहयोग देते रहें। Yeah.
इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जी महाराज, आज मकर संक्रांति का पावन पर्व है। मकर संक्रांति के अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को, सभी श्रद्धालुजनों को हृदय से बधाई और मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। जगत पिता सूर्य की उपासना का यह पावन पर्व उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर अलग अलग नाम और रूपों में बड़े हर्षोल्लास के साथ आयोजित होता है। प्रदेश में इस पर्व पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार के आयोजन होते हैं, तो देश के अंदर भी कहीं बिहू के नाम पर, कहीं लोहड़ी के नाम पर, कहीं पोंगल के नाम पर, कहीं तिलवा संक्रांति के रूप में और कहीं खिचड़ी संक्रांति के रूप में इस पर्व को श्रद्धालुजन आयोजित करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आज माघ मेले में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के संगम पे स्नान कर रहे हैं। पवित्र नदी सरोवर तालाब आदि स्थानों पे भी भारी संख्या में जाकर के स्नान करते हैं। प्रयागराज हो, काशी हो, गढ़मुक्तेश्वर हो या अन्य पवित्र स्थलों पे, अयोध्या धाम हो, गोरखपुर में श्री गोरखनाथ मंदिर से मकर संक्रांति का भी एक महत्वपूर्ण जुड़ाव रहा है। आपने कल भी देखा होगा और आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन आकर के भीषण शीतलहरी के बावजूद महायोगी भगवान गोरखनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ा रहे हैं। आज प्रातः काल से ही लाखों की संख्या में सड़कों पे लंबी लंबी कतारें लग करके अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी को चढ़ाने के लिए श्रद्धालुजन पंक्ति में खड़े होकर के इस पूरी व्यवस्था के साथ अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। जहां पर सभी स्थानों में प्रदेश के अंदर इस आस्था को सम्मान देने के लिए मंदिर प्रबंधन की ओर से, प्रशासन की ओर से श्रद्धालुजनों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, हर स्थान पर पर्याप्त व्यवस्था दी गई है और बड़ी श्रद्धा के साथ आने वाला श्रद्धालु अनुशासित तरीके से न केवल दर्शन कर रहा है बल्कि अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी के माध्यम से या संगम तट पर या नदी और सरोवरों पर स्नान करके अपनी आस्था को पुष्ट कर रहा है और भारत की सनातन परंपरा के प्रति अपने दृढ़ विश्वास को आगे बढ़ा रहा है। पर्व और त्योहारों की जो हमारी लंबी परंपरा है, उस परंपरा में आज का महत्व इसलिए भी और हो जाता है क्योंकि भगवान सूर्य जिन 12 राशियों में विभक्त होकर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड का भ्रमण करते हैं, आज धनु राशि से मकर राशि में जगत पिता सूर्य का संक्रमण भी है जो मकर संक्रांति के रूप में है, तो दक्षिणायन से उत्तरायण में भी सूर्य का जाना यह सनातन धर्म की परंपरा में
अनेक मांगलिक और शुभ कार्यों को करने की एक प्रशस्त तिथि मानी जाती है। हमारे सभी मांगलिक और शुभ कार्यों को शुभारंभ करने की तिथि भी है, यानी अब इसके बाद से मुहूर्त के अनुसार मांगलिक और जितने भी इस प्रकार के पारिवारिक कार्यक्रम श्रद्धालुजनों के होते हैं, उन सभी को लोग इस कार्यक्रम के अपने आयोजनों को आयोजित करते हैं। और भारत की परंपरा में हजारों वर्षों से इस प्रकार के आयोजन की या उत्तरायण के बारे का अपना महत्व रहा है, तो स्वाभाविक रूप से आज ब्रह्म मुहूर्त से ही लोग मकर संक्रांति की पूर्ण बेला में इस श्रद्धा के साथ जुड़े हुए हैं। पंचांग के अनुसार प्रातः 9:15 के आसपास धनु राशि मकर राशि में जगत पिता सूर्य का संक्रमण होगा, तो उससे पूर्व 8 घंटे पूर्व और 8 घंटे बाद का समय एक शुभ प्रशस्त तिथि के रूप में इसका पुण्य काल माना गया है और उसके अनुसार ही यहाँ पे श्रद्धालुजन आकर के बड़ी संख्या में श्रद्धा का स्नान कर रहे हैं। मैं मकर संक्रांति के अवसर पर सभी श्रद्धालुजनों को, पूरे प्रदेशवासियों को, जो अपने अपने अनुसार अपनी रीति अपनी परंपरा के अनुसार इस पर्व और त्यौहार को मना रहे हैं, उन सभी श्रद्धालुजनों को मैं एक बार फिर से हृदय से अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। जगत पिता सूर्य की कृपा उन पर बनी रहे, ये प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देते रहें, ये मेरी मंगलमय शुभकामनाएं सभी श्रद्धालुजनों के प्रति हैं।